भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व बीजेपी की तेज तरार कार्यकर्त्री सुनीता श्रीवास्तव को सौंपा है। क्षेत्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के बाद सुनीता श्रीवास्तव शनिवार को बैनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पहुंची, जहां भाजपा महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने नवनिर्वाचित महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव को माल्यार्पण और बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मला देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गेश नंदिनी, कार्य समिति सदस्य ममता गुप्ता और कुमकुम सिंह, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी रंजना गुप्ता सहित प्रकोष्ठ की कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहीं। स्वागत समारोह के इस मौके पर पार्टी कार्यालय में एक बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए नवागत क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने प्रकोष्ठ को मजबूत कर आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के भारी जीत पर चर्चा की। इस दौरान नवागत क्षेत्रीय अध्यक्ष ने प्रकोष्ठ की कार्यकर्त्रियों को शिष्टाचार का पाठ भी पढ़ाया। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनीता श्रीवास्तव ने कहा, और बड़ी बहन ही ना कहिए, हमारे गार्जियन भी ऐसे हमारे से बोले सकते हैं। पांडे जी, मैं महिला हूँ और मैं अपनी बड़ी बहन या छोटी बहन को सम्मान नहीं दूंगी, तो मैं भी सम्मान पाने के लायक हूँ। कार्यकाल में तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, चाहे शौक से करेंगी या जैसे भी करें, मेरा कोई प्रेशर नहीं है, मेरा प्यार है। बहन जब तक हम अपने बड़ों को बड़े नहीं मानेंगे, तब तक हम कोई कार्य कर नहीं सकते। ये हम लोगों की परंपरा से आई है, अगर हमारी कोई सास है तो उनको हम गाली भी दे देंगे, तो कभी बड़े नहीं हो सकते हैं हम। ये महिला मोर्चा संगठन हम लोगों का एक परिवार है और हम ये चाहेंगे कि हमारे परिवार में कभी विघटन ना हो, इसके लिए हमें सामंजस्य बनाए रखना है। उस सामंजस्य को कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, आप बनाएंगे। अगर हमारी सत्या दीदी बड़ी हैं तो ये कभी बड़ी रहेंगी, मेरे चिल्ला देने से छोटी नहीं हो सकती हैं। मैं यहाँ के सिस्टम बार बार देखती हूँ, मुझे कोई हक नहीं था कि मैं उस सिस्टम को बदल पाऊँ, लेकिन आज मैं पूरे इस हकदारी में हूँ कि इस सिस्टम को मैं सही करूँ। देखिए, नेता बनना आसान है, उसका निर्वाहन करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हम एक नेता हैं, उसके साथ साथ एक बहन है, एक बहू है, एक बेटी है, इसका भी निर्वाहन हम ही को करना है। हम महिलाएं दोहरी जिंदगी जीते हैं, अपने घर से निकल करके घर में भी सास को कैसे प्रसन्न करना है, पति को कैसे प्रसन्न करना है, बच्चे को कैसे प्रसन्न करना है, उसके बाद आकर के पार्टी को कैसे प्रसन्न करना है, कैसे काम करना है, इसको हमको करना है। मेरे नियम में दो ही काम चले हैं, मैं ना किसी मंत्री, ना किसी विधायक, न किसी सांसद की बहू और बेटी नहीं। मैं सुनीता श्रीवास्तव सिर्फ अपने नाम से जानी जाती हूँ, यहाँ तक कि मेरे पति भी नौकरी में है तो उनका नाम बहुत कम लोग ये आगे से नहीं। स्वागत का कार्यक्रम आधे बहुत ही बहुत अधिक लगता तो इतनी बहनों में 30 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। जो नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया? कि हमारा फोटो आगे रहे, हमारा फोटो आगे। नाम से मिले हुए पहचान बहुत कम दिन टिकते हैं और काम से मिले हुए पहचान। नगर उपाध्यक्ष मेन बॉडी में रही, जिले में महामंत्री रही, जिला उपाध्यक्ष रही, फिर मैं जिले के अध्यक्ष। उसके बाद 2009 से प्रदेश कार्य समिति सदस्य और आज के बीच में क्षेत्रीय सह संयोजिका, चाहे वो सत्या दीदी हो, निर्मला जी हो या दुर्गेश जी हो, मैं सबकी सह संयोजिका रहती हूँ। मुझे ये कहने में थोड़ा भी शर्म नहीं, लेकिन हमने अपने सीनियरिटी और जूनियरिटी को बनाए रखा। कभी इन लोगों की चालक इससे हमारी कोई वरीयता, कोई प्राथमिकता नहीं होती है। हम लोग इस प्राथमिकता को समझते हुए हम आशा करते हैं, देखिए कोई बात खाली नहीं रहेगी। जिनके जहाँ जो दायित्व होगा वो उनको उनको शेयर किया जाएगा, किसी को खाली नहीं छोड़ना है। तो 2019 का चुनावी समर है। दूसरी चीज़ है कि संगठन को भी आगे बढ़ाना है, उसके लेते हुए किसी बहनों को खाली नहीं रहना है, लेकिन किसको क्या मिलेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अकेले सुनीता श्रीवास्तव अगर अध्यक्ष हैं तो भी किसी को अकेले कोई पद नहीं दे पाएंगे, ये सारे संगठन के लोग हैं। भी बैठक होगी, बड़ी शालीनता से होनी चाहिए, उसमें सिस्मेटिक ढंग चाहिए। आप सारे लोगों को मैं पहचान,
मेरी पार्टी संगठन सबका साथ सबके विकास के साथ चलती है और मैं इसी मेथड को अपनाते हुए पार्टी को अपनी महिला मोर्चा के पूरे शक्ति से अपनी आधी आबादी की सारी शक्ति को लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन एक अच्छे ढंग से कर सकूं और जो कमी बेसी है मैं भरसक प्रयास करूंगी कि वो सारे चीज़ को एकत्रित करते हुए सबको नज़रअंदाज करके और जो अच्छाइयां हैं उनको लेकर के मैं पार्टी को पूरी शक्ति से अपनी आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी।